जी सर बताइए। मैं राजेश अम्बाल, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर हैबिटेट तालीम टीचर्स फोरम और सीनियर मेंबर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी। आज हमारा ये जो धरना है भूख हड़ताल, छठे दिन में पहुंच चुका है और कल श्रीनगर में भी ये भूख हड़ताल जो है वो टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले जो है क्यूम वानी साहब ने स्टार्ट किया है, आज दूसरा दिन वहाँ पर भी है। तो हम गवर्नमेंट से फिर ये अपील करना चाहते हैं कि हमारी जो एक हमारा राइट है वो डिमांड रही है, सेवंथ पे कमीशन जो रोका गया है SSA और रमसा टीचर्स और मास्टर के लिए, वो जल्दी से जल्दी उनके फेवर में जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए और उनकी सैलरी जो है वो सेंटर से डीलिंग करके स्टेट बजट से उनकी सैलरी दी जाए। ये कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, 20 से 25 करोड़ रुपया पर मंथ जो है वो उनके लिए लाइबिलिटी बनती है। तो प्लीज़ कृपा करके ये डिमांड हमारी पूरी करें ताकि हम लोग स्कूलों में जाएं। और जैसे आप लोगों को पता है कल टीचर्स डे जो है उनकी सेलिब्रेशन की जा रही है, अगर आज के दिन तक हमारी ये आर्डर नहीं निकलता है तो हमने क्लियरली अपने सारे टीचर और मास्टर को बोला हुआ है कल कोई भी टीचर और मास्टर हमारा स्कूल में नहीं जाएगा, मास कैजुअल लीव लेकर वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आएगा और हम टीचर्स डे को एज अ ब्लैक डे मनाएंगे। और हमारे जो सारे के सारे टीचर अगर सड़कों पर हैं, कुछ जम्मू में, कुछ कश्मीर में, तो कौन सा टीचर डे ये सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो हम फिर से अपील करते हैं कि ये जो हमारी डिमांड है इसको जल्द से जल्द पूरा करें ताकि हम लोग स्कूलों में जाएं और हमारे जो बच्चे वहाँ पे सफर कर रहे हैं हम उनको पढ़ा पाए। क्या करना सर, ये जो पीछे मेरे कुलीग बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा खड़े हो जाएं, प्लीज नारू का जवाब देना है। टीचर्स जॉइंट एक्शन